देश दुनिया की हर वड्डी खबर लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। खेती सुधार कानून रद्द करवाण वास्ते किसान दिल्ली दी बरूहां ते 108 दिनां तों बैठे होए ने ते किसान महापंचायतां राही वख-वख सूबियां दे विच वी किसानां दे हक दे विच आवाज़ बुलंद करन वास्ते लगातार प्रोग्राम उलीके जा रहे ने ते अज राजस्थान की धरती से हनुमानगढ़ के भी किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है जिते वड्डी गिनती दे सिंगर तो पहुँच ही रहे हैं उत्थे किसान आगू भी पहुँचे ने साडे नाल मौजूद ने किसान आगू जगजीत सिंह डल्लेवाल जी। डल्लेवाल साहब किस तरह दे दो लगातार 108 दिन हो गए दिल्ली के वख-वख बोर्डर उत्ते पर सरकार का जिहड़ा हैगा रवैया जो दा त्यों बनिया होया वा? नहीं ये नहीं है सरकार का बाहरी तौर के उत्ते आपदा वो जिवें आपां कहिंदे हुंदे आ बई दबदबा बना के रखण वाली गल है अंदरों सरकार डरी हुई है। एक दिन सरकार ये कहती हुंदी सी कि मुठ्ठी भर लोग ने अज उही सरकार ये कहन लग पी कि ये जिहड़ियां भीड़ां है इन्हां नाल कानून रद्द नहीं हुंदे इहदा मतलब आ भीड़ां नज़र आउण लगियां और वो आ भीड़ां है जिहड़ियां इत्थे अज भीड़ लई हुई है ये भीड़ां दिल्ली बैठा नूं नज़र आउणियां शुरू होईयां और ये जिवें जिवें भीड़ां वधणगियां उवें उवें सरकार नूं दा वट चढ़ना है और सरकार नूं मजबूरन ये कानून रद्द करन लई आपने सही रस्ते ते आउणा पैणा। सरकार अते बीजेपी की लगातार घेराबंदी की जा रही है कोलकाता दे विच किसान आगू पहुँचे ने उत्थे बंगाल चुनावों के वड्डा प्रचार करते नज़र आ रहे ने बीजेपी के खिलाफ किस तरह देख दो? देखो साडा जिहड़ा संगठन बनिया है संयुक्त किसान मोर्चा साडा प्रोग्राम बिल्कुल नॉन पोलिटिकल इहदा उहदे नाल कोई मतलब नहीं सी पर अज हालात की बने हुए ने अज सरकार ये कह रही है कि पिछे बिहार की इलैक्शन जित ली जित जिस ढंग नाल ली किसी ढंग नाल भी ली वक्री गल है वो इलैक्शन जितने तो बाद सरकार ने एक बहुत बड़ी टार मारी झूठ बोलिया कि जी अगर कानूनों का कोई असर हुंदा तां असी बिहार दे विच इलैक्शन क्यों जितते सानू इत्थे एड्डे वड्डी पद्धर दे उत्ते बहुत मत क्यों मिलता तो उहनू सबक सिखाउण वास्ते ताकि उत्थों दे लोकां नू अवेयरनैस आवे लोकां नू जागृति आवे कि सरकार एडे घटिया एडे माड़े कानून लैके आ रही है और पूरे देश नू किवें कारपोरेटां दे हत्थां दे विच बेचना चाहुंदी है वो सारी गल तो लोगों को अवेयर करन दे लई साड़ियां मतलब जथेबंदियां दी लीडरशिप उत्थे पहुंची है और उहदा रंग आएगा हर हाल लगता है कि बंगाल दे विच चुनावों दे विच किसानां दा फैक्टर एक वड्डा इंपैक्ट क्रिएट करेगा तो बीजेपी नू काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पै सकता थोड़ियां अखां दे सामने देख लियो की रंग उगरदा है। मैं कहना कल्ले बिहार नू अपना छड़ दो बंगाल नू छड़ दो जिथे जिथे भी इदू बाद इन्हां दी इलैक्शन आउणी है सारे थावां दे उत्ते इहदी सज़ा भुगतनी पैणी है बीजेपी नू। की लगता है कि गरेवाल हरजीत सिंह गरेवाल लगातार किसानी अंदोलन नू लैके अपने बयान दागते रहे हैं तो हुण उन्होंने कहा कि बंगाल दे विच जिस तरह किसान आगू कर रहे हैं उन्दे ते भी उन्होंने कड़ी ऑब्जैक्शन जताई है SGPC नू किसानां दे सपोर्ट ना करन दी भी अपील की है इस तरह के बयानों नू किस तरह दे दे हो तुसीं? मैं उन्हूं इह पुछदा हां उन्हूं किहने राइट देता भी किसानां नू कहे भी उत्थे ना जाण उन्हां नू ऑब्जैक्शन करन दा मतलब की है? पहली गल इस बंदे दीआं आपदीआं घटिया बयानबाजी ने बीजेपी की पंजाब दे विच दुर्दशा की है और छित्तर खाधे थां थां तों और इस बंदे और दूजी गल है इहनू एक चलाकी है इहदी कि अजिहे घटिया बयान दे के चर्चा च रहना चर्चा च रहना और सीनियर लीडरशिप दे ध्यान च आउण दी इहदी लालसा इस तों सिवा कुछ नहीं है और कख नहीं इहदे विच। दूजी जिहड़ी गल उह कह रहे ने SGPC दी इहदा SGPC नाल संबंध की है? SGPC साडी है असीं साडे गुरद्वारे ने साडे गुरद्वारिआं नूं लोक सेवा करदे ने लोग उत्थे चढ़ावा चढ़ाउंदे ने और वो अज लोग जिहड़े अंदोलन कर रहे ने उन्हां दी सेवा कर रहे है इहदा की राइट आ उत्ते टिप्पणी करन दा? बेलोड़ियां बेतुकियां बोलियां बोल रहा है और इहदी इहने होर ज़्यादा पंजाब दे विच बीजेपी का नुकसान करवाउणा इहदी जिहड़ियां टिप्पणियां ने बीजेपी का नुकसान करना। मनजीत सिंह राय भी साडे नाल मौजूद ने किस तरह देख दे हो जी किसान लगातार हुण दिल्ली पंजाब हरियाणा तो बाद वख-वख सूबियां दे विच बीजेपी सरकार नूं घेरदे नज़र आ रहे ने? देखो ये जिहड़ी सरकार है किते ना किते देश दे अन्नदाता नूं इग्नोर कर रही है अन्नदाता दी जमीन खोना चाहुंदी है फिर क्यों देश दा अन्नदाता इहदी राजनीतिक जमीन क्यों ना खोवे? सो इहदी जिहड़ी इहनां दी राजनीतिक जमीन है वह खोलांगे असीं असीं 7 महीने तो 8 तो अंदोलन दे विच आ और मैं परसों जाके आया कलकत्ते और वड्डा रोस है लोगों के विच बीजेपी के प्रति जिनी तानाशाही इस सरकार ने की है तानाशाह सरकार है अज तक ऐसी सरकार कोई नहीं वेखी डिकटेटरशिप है जिद च है
अपना अड़ियल रवीरा रवैया रख के बैठी है। धक्के जिहड़े कानून किसी आगू ने नहीं मंगे, किसी किसान ने नहीं मंगे, किसी किसान जथेबंदी ने नहीं मंगे, धक्के किसानों के गल मानना चाहते हैं। तो फिर क्यों किसानों हक नहीं? लोकतंत्र है नहीं तो लोकतंत्र का घाण करता बीजेपी ने, और ये लोकतंत्र रहन कितने दिता? ये जिहड़े कानून लिया संविधानिक तौर पर गलत लिया। और जेकर तुसीं अज गल करिए भई सारिया स्टेटां जाके वेख लो, कल असी रात बांदा सी यूपी दे विच, उत्थे 6 दिन पहला इन्हां ने इजाजत दित्ती हुई सी पंचायत करने नूं महापंचायत, और जिस दिन उन्होंने टेंट लगा लिया महापंचायत करने नूं रात 11 बजे वो कैंसल करती, और उत्थे उन्होंने टेंट उठा दिता चकता, पर असी फिर भी कल महापंचायत की उत्थे कलैक्टर दफ्तर दे अगे की। कहण दा भाव है इन्हीं लोकतंत्र दा घाण करता, लोग अपने हकों लई अपनी आवाज नहीं उठा सकते, लोकतंत्र दा घाण करता इन्हां ने। लगता है कि बीजेपी नूं जिस तरह तुसीं घेरदे हो उसका इंपैक्ट आने वाले चुनावों के देखने को मिलेगा? बिल्कुल, तुसीं वेखो आ तुसीं पंजाब च वेख्या नहीं हुण कि पंजाब दे विच क्लीन स्वीप करता नगरपालिका नगर निगम दीआं चोणां च क्लीन स्वीप करता, हरियाणे च भी यह दशा होएगी। और मैं कहां कि यह सारियां स्टेटां जिते जिते इलैक्शन हुंदी आ आगू उत्थे उत्थे जाणगे, और बिल्कुल बीजेपी जिहड़ी आ इहनूं किते ना किते इहदा मार दा सामना करना पएगा, जो इन्हां ने धक्का कीता उह धक्के दा नतीजा भुगतना पएगा। बिल्कुल, है किसान आगू सी जिन्हां दा साफ कहना है कि बीजेपी लगातार लोकतंत्र दा घाण कर रही है, किसानों की आवाज़ नूं दबाण की कोशिश कर रही है, पर किसान दबण वाले नहीं ने। ते हुण जिथे जिथे भी चुनावां होणगीआं, चाहे बंगाल तो बाद होर सूबिआं च भी चुनाव होणगे, किसान उत्थे जाके बीजेपी का विरोध करनगे, ते बीजेपी नूं इसका खमियाजा भुगतना पएगा आने वाले चुनावों के। कैमरामैन रोहित विवेकता, दैनिक सवेरा टीवी, हनुमानगढ़, राजस्थान। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक, इन्ह चोरा ठगा तो सावधान, स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार का ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान, फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद, मोबाइल 84374-9947, 84374-9948। पंडित राधे शर्मा, चमत्कार हुंदे वेखो अपनी अखां दे सामने, 24 घंटे विच पाओ हर परेशानी दा हल, मुसलमानी रूहानी ते काले इलम दे बादशाह, मेरे कीते नूं मेरे तो इलावा कोई कट नहीं सकदा, मोड़ी वशीकरण करवाओ, मनचाह प्यार पाओ, लव मैरिज, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, तलाक केस, जमीनी झगड़ा, नौकरी, कारोबार च रुकावट, विदेश यात्रा, लॉटरी तो तुहानूं मिलेगा जां नहीं, सच्चाई जानो, लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे जां लोटो मैक्स, तुहाडी हर गल 100% गुप्त रखी जावेगी, प्यार विच धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका इक बार जरूर मिलो, मैं तुहाडा प्यार टुटन नहीं देवांगा, मोबाइल 98 788 0 45 85 588 38 617।